जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप? दोस्तों देवी देवताओं की पूजा विधि पूर्वक करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, परंतु थोड़ी सी गलती होने के बाद किए गए पूजा का फल नहीं मिल पाता है। अगर आपके घर के मंदिर में भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की प्रतिमा है तो पूजा करते समय कुछ नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप पूजा करते समय कुछ गलतियाँ भी करते हैं तो पूजा निष्फल हो जाता है। मैं आपको बताऊंगा भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की प्रतिमा का पूजा करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों सबसे पहली बात, भगवान विष्णु और बाल गोपाल को स्नान एवं भोग लगाने के पश्चात ही स्वयं भोजन करें। ये कार्य करने से पूर्व खाना खाने से घर में बरकत नहीं होती और चिंताओं का आगमन होता है। दोस्तों एक तुलसी का पत्ता हर रोज प्रभु के शीश पर और प्रसाद में रखकर अर्पित करना चाहिए। तुलसी के बिना पूजा पूर्ण नहीं होती और न ही भगवान इसे स्वीकृत करते हैं। सीले और जूठे कपड़े पहनकर प्रभु का पूजन न करें। आप जब भी पूजा करने के लिए बैठें तो स्नान करके स्वच्छ कपड़ा पहनकर ही पूजा के लिए बैठें। भगवान की प्रतिमा पर पुराने पुष्प अर्पित न करें। प्रतिदिन फूलमाला को बदलें और बासी पुष्पों को वहां से हटा दें। भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के पूजन में घी का दीपक अवश्य जलाएं। पूजा करने से पूर्व मुख साफ होना चाहिए, इसके लिए कुल्ला करें और पूजा के समय कुछ ना खाएं। तो दोस्तों इन बातों को आप नित्य पूजा में गांठ बांध लें। भगवान आपको और आपके परिवार को सुख समृद्धि दें। जय माता दी। दोस्तों